एग्जाम्स तो बहुत करीब आ गए हैं दोस्तों, और मैं जानता हूँ कि आपने पढ़ाई जरूर शुरू कर दी होगी, लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जो आपने याद किया है उसे याद कैसे रखें। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपको मेमोरी टिप्स और कुछ एग्जाम टिप्स देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशेष अरोड़ा, देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार पढ़ाई करने से बचें, 50 मिनट पढ़ें और फिर 10 मिनट का ब्रेक लें और फिर उसके बाद फिर से पढ़ें। लगातार पढ़ाई करने से बचें और एग्जाम से पहले मैराथन पढ़ाई करने से भी बचें। पढ़ाई के बीच में जब 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं उसमें अगर आपका म्यूजिक सुनने का मन करे तो आप हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन इसके बीच में आप टीवी और मोबाइल गेम से बचें क्योंकि इनसे आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता। पढ़ाई के लिए एक जगह तय करें। रोजाना की जगह पर पढ़ने से आपका माइंड पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो जगह आपकी रोशनी वाली और काफी साफ होनी चाहिए, वहां पर ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय आप रोज 2-3 सब्जेक्ट पढ़िए, यानी अपनी पढ़ाई में वैरायटी लाइए। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें खुद को इन्वॉल्व कीजिए। लगातार पढ़ते जाने की बजाय आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सवाल बनाइए और अपने आप से पूछिए। एक तरीके से आप अपने मन के अंदर जो भी चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे उसे एक समरी तैयार कर लीजिए। जो आपने पढ़ा वो आप अपने फ्रेंड को पढ़ाने की कोशिश करिए। आप अपने फ्रेंड को तभी पढ़ा पाएंगे जब वो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे ऐसी चीजों के साथ रिलेट कीजिए जिसे आप पहले से जानते हो, जैसे कि हिस्ट्री की डेट्स आप अपने फ्रेंड के बर्थडे से रिलेट कर सकते हैं, या फिर जो अपने मेन पॉइंट्स जो है चैप्टर के आप उन्हें एक गाने या कविता के रूप में भी याद कर सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर करें। पहला रिवीजन आप 24 घंटे के बाद लें और दूसरा रिवीजन 1 हफ्ते के बाद जरूर लें। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें। जिन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हैं उनको जरा कम टाइम दीजिए और जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। अपने पेरेंट्स और टीचर्स से हेल्प लेते रहिए, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ कभी अपना पढ़ाई का शेड्यूल मत बनाइए क्योंकि उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स अलग होंगे और आपके अलग होंगे। आप कभी दूसरों से कॉम्पिटिशन के बारे में मत सोचिए, अपनी पिछली परफॉर्मेंस से ज्यादा बेहतर करने के बारे में सोचिए। कोल्ड ड्रिंक्स और चाय कॉफी का परहेज कीजिए। आप कुछ हेल्दी खाइए। जब भी आपको कुछ मन करे हर 2 घंटे के बाद आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, नारियल कुछ भी खाइए पीजिए और खूब सारा पानी पीजिए, जिससे आपका शरीर और मन दोनों हल्का रहेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे मन में दबाकर ना रखें। अपने बड़ों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। आपके घर में जो भी कोई बड़ा है उसके साथ अपने मन की बात शेयर करें, उसे दबा के ना रखें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। रोज सुबह उठकर आधे घंटा का मेडिटेशन जरूर कीजिए। इस सब का कंसंट्रेशन का पावर बढ़ेगा और आप अपनी पढ़ाई ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप खुश रहने के बहाने तलाशिए। उसके अलावा आपको रेस्ट की बहुत जरूरत होती है, तो रोज साना आप 7 से 8 घंटे जरूर सोइए। चलिए दोस्तों, प्रिपरेशन तो हो गया, अब वो बात आती है, वो टाइम आता है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एग्जाम रूम में एंटर करते हुए आप अपने आप से कहिए कि मुझे सब आता है। हड़बड़ाहट और घबराहट से बचिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपका भूलने का वहम आपके मन से निकल जाएगा। अब हमारा यहाँ पे आता है आखिरी पॉइंट कि सवालों के जवाब लिखते हुए उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अहम होता है। जो आपका सवाल है उसका जवाब तो आपके क्लास के लगभग सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं काफी मायने रखता है। जवाब ज्यादा लंबा ना लिखें, छोटा लिखें और जो आपकी अहम बातें हैं उन्हें अंडरलाइन कर दें। जवाब ज्यादा लंबा ना लिखें, उसे छोटा और सटीक लिखें। चलिए दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जो हमारे मेमोरी टिप्स हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। और हमारी आज की वीडियो में तो चलिए इतना ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। हम मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।